मैं इस वक्त ग्रैंड जामा मस्जिद के दालान में मौजूद हूँ, जो कि बहरिया मस्जिद भी कहलाती है, और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है और ये दुनिया की 40वीं बड़ी मस्जिद है। और इसकी इनॉग्रेशन, जो पहली इनॉग्रेशन हुई थी, वो हुई थी 6 अक्टूबर 2014 में, और ये हुई थी ईद उल अज़हा के मौके पर। और उसके बाद इसकी दोबारा से इनॉग्रेशन हुई 5 दिसंबर 2014 में, और उसके बाद इस जगह को आम लोगों के लिए, नमाजियों के लिए खोल दिया गया था। और अगर स्पेस के हवाले से बात की जाए तो जिसका अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे तकरीबन 25,000 के करीब लोग नमाज अदा कर सकते हैं, और अगर कलेक्टिवली बैरूनी हिस्से को भी मिलाया जाए, यानी कि सहन को भी मिलाया जाए, तो यहाँ पे 70,000 के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका जो फन तामीर है वो बादशाही मस्जिद और वज़ीर ख़ान मस्जिद और शेख जैद मस्जिद से भी मिलता है। बहरिया मस्जिद के कुल 4 मीनार हैं और हर मीनार की हाइट तकरीबन 165 फुट के करीब है, और इसके जो टोटल गुंबद हैं वो हैं 41, जिसमें से 40 जो हैं वो छोटे गुंबद है और एक बड़ा गुंबद है, और जो एक बड़ा गुंबद है उसकी जो हाइट है वो है 40 फुट के करीब। अच्छा, इसका जो बैरूनी हिस्सा है वो भी बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई मुनफरद अंदाज में इसको बनाया गया। इसमें तकरीबन कह लें कि 40 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया, मुल्तानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया, और जितनी भी यहाँ पे ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो सारी हाथ से बनी हुई हैं। ग्रैंड जामे मॉस्क को लाहौर के एक मशहूर आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने डिज़ाइन किया है, और इस मस्जिद के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शाहकार हैं जिनको डिज़ाइन किया है इन्होंने। मैं उनके नाम भी लेती चलती हूँ, जैसे कि अलहमरा आर्ट काउंसिल, बागजना, फिर उसके अलावा कायद अज़म लाइब्रेरी, फिर उसके अलावा शाकर अली म्यूज़ियम, और उसके अलावा BNU बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा सरीना होटल जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया। और सारी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने की वजह से, इनकी काविशों की वजह से, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है। मस्जिद में जो कालीन का इस्तेमाल किया गया है वो तुर्की कालीन है, और यहाँ पे जो फ़ानूस इस्तेमाल किए गए हैं वो ईरानी फ़ानूस हैं। अच्छा, मस्जिद की बेसमेंट में एक कॉलेज भी मौजूद है ख़वातीन के लिए, और इसके ऊपर जो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे आर्ट गैलरी, बेसिकली इस्लामिक आर्ट गैलरी मौजूद है, जिसे कुरान गैलरी भी कहते हैं, और यहाँ पर ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलग से जगह भी बनाई गई है। मैं इस वक्त कुरान गैलरी में मौजूद हूँ, जो कि जो बहरिया मस्जिद है उसके ऊपर के हिस्से पे मौजूद है, और इसको इस्लामिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं। यहाँ पे कुरान पाक के जो हाथ से लिखे हुए नुस्खे हैं वो मौजूद हैं, और तकरीबन कह लें कि यहाँ पे 50 के करीब हाथ से लिखे हुए कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं, जो कि तकरीबन यूकुट से 300 से 700 साल के करीब पुराने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में जो अशिया थी, उन अशिया मुबारक की यहाँ पर आपको पिक्चर्स मिलेंगी उनकी डिटेल्स के साथ, तो आपको डेफ़िनेटली वो भी मिल सकती है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुरान के मुख्तलिफ ज़ुबानों में नुस्खे भी मिल रहे होते हैं, जैसे कुफी ज़ुबान हो गई, फिर उसके अलावा पर्शियन होगी, इंडियन होगी, चाइनीज़ होगी, इंग्लिश होगी, वो सारे नुस्खे भी आपको यहाँ पर मिलते हैं।